दोस्तों, अगर आप IIT और नीट के लिए मोशन क्लासेस, जो कि कोटा का फेमस इंस्टीट्यूट है, उसके वीडियो लेक्चर्स खरीदना चाहते हैं, परीक्षा ऐप पर मिल जाएंगे, तो जानकारी 15 ये कोड यूज़ कर लीजिएगा। इससे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। JANKARI 15। थैंक यू भाई, बाय, सी यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू। शुरू शुरू में जो आपकी जो भी वीडियो होती थी, वो क्वालिटी उसका थोड़ा कम होता था। आज अच्छे से नहीं यार, भूत की तरह मूवी बनाते थे। अच्छा, हाँ, मूवी चल रहा है। हाँ, एक दो बनाई थी मैंने शुरू में। हाँ, उसके बाद तो पूरा हेल्पफुल था। जैसे एलन रेजोनेंस के बारे में आप बता रहे थे, क्वेश्चन का लेवल जो एलन आपने बताया था 5%, इसका अच्छा होता, ज्यादा हाई होता। आप देखिएगा वीडियो, हमको याद नहीं। नहीं, सही है, एलन को और बात ही बहुत अच्छा है। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हो ना? बिल्कुल है। तुम्हारा क्या नाम, क्या तुम लोगों को नाम बताओ? मेरा नाम राज नाम है, मनुराज। तुम्हारा? अभय, मनुराज अभय। विशाल, विशाल जी। अच्छा, तो मतलब तो यानी ऐसा लगता है तुमने बहुत पहले से देख रखा हो या पूरे? बहुत शुरू से ही है ना। हाँ, आपके जो भी फॉलोवर्स थे उसमें हम ही लोग सबसे पहले आपके आपसे ही देखा है कोटा के बारे में। आपने बीच में बंद कर दी थी, उस चैनल पे नहीं आते थे जानकारी वाले पे, तो सब्सक्राइब कर रखा था, तो उसके सारे आते थे कि अरे वो एक नहीं आते, एक आदमी था, लड़का था जो सबका जानकारी नहीं आ पा रही थी। एक शादी के अकेडमी भैया है, वो भैया उनसे हम लोग लेते थे। हाँ, वो देखता था। एक्चुअली क्या, उस टाइम में फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, यहाँ आ नहीं पाता था, मेरे टॉपिक सारे कम्प्लीट हो गए थे। फिर मैं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वही वीडियो बना रहा हूँ, फिर मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने बीच में चेंज कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि इन केस अगर कभी कोटा गया और अगर नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो तब बनाना मैं स्टार्ट करूंगा। और फिर मैंने बीच में दूसरा भी चैनल स्टार्ट कर दिया था, तो उस पर भी अभी देता हूँ। यहाँ का मेस एक चीज़ है, जैसा कि बोला गया हर जगह आपके चैनल से या फिर जहाँ भी उन्होंने पता किया, तो मेस लेकिन यहाँ क्वालिटी अच्छा है। तुम्हारा अच्छा है? ऐसा भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं ना। अच्छा, पहचान लिया, आओ फिर, बिजी तो नहीं हो? आओ, ओके, मिलते हैं यार, बहुत टाइम बाद, फिर पता नहीं कब मिलना होगा, है ना। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक भैया। अभिषेक भैया? अच्छा, कहाँ से हो तुम? बिहार से। बिहार से? तुम MP? तुम भी जानते हो मुझे? अच्छा अच्छा, कौन सी वीडियो सबसे पहले देखी? आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते। हाँ, सही है। अच्छा, वही सबसे मैं मिल रहा हूँ वहाँ पे। और कौन सी इंस्टीट्यूट में तुम लोग? एलन में ही हो? अच्छा, कहाँ रहते हो यहाँ पे? सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा, स्टडी वगैरह सब अच्छे ना? नहीं, बस वही छूट गया। अरे, मैंने बोला था तो माने नहीं। तो मतलब चल गया, कल चालू होगा कल से तो। नहीं नहीं नहीं, कीप ट्रैक, उसी चीज़ का वो ट्रैक रखो, फिर से जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। छूट गया छूट जान लो, जो बचा है वो पकड़ लो मेरे हिसाब से। तो हाँ, तुम मैथ्स के बारे में बताया था। अच्छा भाई, अगर तुम्हें जाना तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाई। तो मैथ्स का बता रहे थे कुछ? हाँ, मैथ्स तो यहाँ बहुत अच्छा, अभी बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे कि कुछ कुछ मैथ्स बाकी में अच्छी होती हैं। पंजाबी में वो, हाँ, फेमस है पंजाबी, और MRF करके दो मैथ्स, एक और अंकल अंकल मैथ्स। अच्छा, नहीं तो ये भी बढ़िया है कि भाई अगर मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप सब लोग व्यूअर्स जो देख रहे हैं, इनकेस अगर आपको यू नो ना पता हो, अच्छी मैथ्स भी होती हैं, जैसा कि आपको आपने सुना क्या मनुराज से, तो सही है। और कोई समस्या इधर पे आ रही हो जो तुम्हें प्रॉब्लम मिला? प्रॉब्लम तो अभी नहीं है बस। हाँ, बाकी हर कुछ तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपका चैनल का एक तो है कि जो छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती है ना। हाँ, वो आप शेयर कीजिए, क्योंकि वो देखिए हम लोग को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है, शहर के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास हर कुछ है, लेकिन जो दूर है, जैसे हम लोग बिहार से, यहाँ से 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूरी पर है, हम लोग को आपकी यही वीडियो है जो हम लोग बताता है यहाँ के बारे में क्या है नहीं है। ऊपर से आप तो बहुत क्लोज होकर बात करते हैं, आई थिंक। हाँ, रियली, मतलब क्लोज इन द सेंस पास में आके कैमरा इंटरेक्ट करके चीजों को अच्छे से बताते हैं ना। हाँ, हाँ, कैसे है वहाँ, तुम जाओगे तो क्या प्रॉब्लम तुमको आएगा। हाँ, स्टैंड से लेके आप शुरू करते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। हाँ, रियलिटी में, रियलिटी मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि मैं चीज़ों को मतलब ऐसे ही समझ पाता, तो मेरा लगता है कि शायद ऑलमोस्ट लोग ऐसे ही समझते होंगे। और उसके अलावा मुझे लगता है कि यार जो रियलिटी है ना वो बताओ, कई बार हार्श भी होती है। एक मैंने वीडियो बनाई थी जैसे कि उसमें था, हाय, थैंक यू भाई, ऑफकोर्स। तो मतलब क्या बोल रहा था, भूल गया।
चीजों को आपसे बताते हैं। हार से एक वीडियो थी मेरी, उसका नाम था कि तो क्या आप कोटा बिल्कुल मत जाना। हाँ, आठ कारण अगर ये चीजें ना हो तो कोटा मत जा। अब वो मुझे इतना हेट मिला, जेन्युइनली आई डिडंट मीन के भाई आप में है ही नहीं है। मेरा ये था कि मुझे जो लगा मे बी रियलिटी मेरी गलत भी कर रखी है। कई वीडियो प्राइवेट भी करके कुछ वीडियोस मुझे करनी पड़ी, फिर मुझे मैं कहा मत करो। शुरू में हर्ट होते थे लोग, फिर उसके बाद मैंने नहीं करा। एक चीज़ है, यहाँ भले आपको 10 dislike मिल जाता होगा, 10 like मिलता होगा, लेकिन dislike ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा, आपको लाइक भी मिलता हो, लेकिन जानते हैं हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि हम यहाँ एडमिशन में लिए, बहुत बड़ा इशू का होता है ये बताना सोशल मीडिया का। हम लोग आपके शुरू से सब्सक्राइबर्स थे, अच्छा बोले आपका जो क्वालिटी बहुत पहले खराब आता था, फिर उस बार इम्प्रूव होते होते अभी तो जब आ गए हैं तब तो अभी बहुत कम टाइम उधर देते हैं, तो सही है नहीं। और ये सही भी है, तो मुझे बहुत हार्श कमेंट भी झेलने पड़े, बट मीन उसका यही था कि भाई देखो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, और भाई मैं बता रहा हूँ ये हुआ है मेरे साथ, अगर हो सकता है किसी के साथ ना होता हो, एब्सोल्युटली वो तो उनका अपना ओपिनियन। तो वही चैनल खुला है, किसी में डालोगे? अभी ये कुछ वीडियोज़ में हो सकता है मेन पे भी डाल दूँ, क्योंकि अब ऑब्वियसली उसकी ऑडियंस बदल गई है ना बहुत। इंस्टाग्राम होगा ना? हाँ, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर रखे हो क्या? नहीं, मैंने नहीं कर रहा है। अच्छा, तो वीडियोस में मिल जाएगा पुरानी वाली, नहीं तो मैं अभी बता दे रहा हूँ मेरे को करो, लाइक अच्छा रहेगा, मैं अभी तुमसे कांटेक्ट में रहूँगा। हाँ, हो तो करो। और यहाँ पे बाकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है ना? बहुत अच्छा चल रहा है। दिवाली वगैरह पे घर जाना होता होगा? नहीं, अभी घर नहीं जाना है, डिसाइड करके आएंगे, यहीं रहना है, करके जाना है, करके जाना। नहीं सर जी, अभी वो दीजिए, मैं बाद में वो। राज_दुबे। हाँ, अच्छा पहचान लिया मुझे, थैंक यू। आज बड़ी खुशी हो रही है, मैं पता पॉपुलैरिटी देख रहे हैं आप? हाँ यार, मेरे को खुद अच्छा फील हो रहा है जानकारी चैनल ला। हाँ, आप कहाँ से? बिहार से, Dubey 47। आप देखिए, वो बिहार से, बिहार से हो तुम्हें ना? हाँ, बिहार और यूपी से ज्यादा लोग आते हैं वो, आप जब रेजोनेंस के जब नोट्स दिखाते थे ना कॉपी में, दूरी भी यहाँ आप ही दे पाते। हाँ हाँ, नहीं सही है, रेजोनेंस के जब नोट्स कॉपी दिखाते थे ना। हाँ हाँ हाँ, मैं देखता था। अरे यार, मैं बता नहीं सक रहा मेरे को कितना अच्छा फील हो रहा है। मैं पता सर 2 दिन से आया हूँ यहाँ पे, एक हॉस्टल में रुका था, तो मुझे लगा था कि मुझे मीटअप के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं सबको बोल दूँ, फिर मैंने सोचा कोई नहीं आएगा यार, 2-3 ही लोग थे जो कि रेडी हो गए थे आने के लिए, मैंने सोचा कि छोड़ो। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अच्छा रहा कि मुझे बिना कुछ कहे ही इतने सारे लोग मिल गए, और बर्थडेट हो गया मेरा दाएँ सच में। इसी तरह एक बार ना जब मोशन के पास थे ना, तो सादिकी एकेडमी वाले हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वो मिले थे। अच्छा, सदी कहाँ? हाँ, उससे ही मेरी बात होती रहती है। हाँ, सही है, ये भी सही है, और बढ़िया है, सब बढ़िया है ऐसे ही। अभी यहाँ आए थे कोई? मैं एक्चुअली एक क्राइंजा करके वो है, PG या कह लो या हॉस्टल कह लो, बहुत दूर है यहाँ से, 6 किलोमीटर दूर, पुलिस लाइन के आसपास, तो मैं वहाँ पर रुका था एक दिन सर के साथ, तो उस हॉस्टल की बहुत सारी चीज़ें देखी, और मतलब यू नो रिव्यू वगैरह। हाँ हाँ हाँ, एलन का 2 दिन का, और यहाँ से बनाते हुए आ रहा हूँ मैं। हाँ, एलन का यही पूरा एरिया कवर कर रहा था मैं, तो अच्छा रहा तुम मिल गया। मैं सोच ही रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, सही रहा। हाँ, मेरा ट्रेंडी न्यूज़ बाय राज_दुबे, अब देख रहे हो ऐसी हालत हुई मेरी, ट्रेंडी न्यूज़ बाय राज_दुबे, और देखा है, आओ ना अगर प्रॉब्लम ना हो तो। आ जाओ तुम लोग भी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? माही। बताओ क्या नाम, क्या तुम्हारा? माही। अच्छा, तो माही, और कब से तुमने देखा, कब देखा मेरा चैनल? मैं तो बहुत पहले से देख रही हूँ, मतलब जब कोटा ही थी उससे पहले भी देखा था। हाँ, अभी अच्छा, कौन सी वीडियो देखी थी पहली बार? मैंने बहुत सारे देखे हैं आपके, बहुत सारे देखे। अच्छा, पहले मेरा कोटा जानकारी नाम से था, फिर वो चेंज कर लिया। हाँ, था तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट में? अभी तो मैं सबल में हूँ, मतलब मेरे एंट्रेंस की क्लास सबल में लग रहा है। अच्छा, मेडिकल? नहीं, आईटी। कौन सी क्लास में? मैं 12th। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको कोटा में? अभी तो मेरे 1 महीना हो गया। 1 महीना, सही है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत सही। कोई प्रॉब्लम नहीं? खाने वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉस्टल वाले सही। अच्छा, पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही? अच्छा, ये लोग भी जानते हैं? नहीं यार। अच्छा, ठीक है, उनको बताना। ओके, माही आगे? माही खुशी, मतलब और माही खुशी। अच्छा, कहाँ से हो तुम? बिहार से। बिहार में कहाँ पे? सहरसा। सहरसा, पहले नहीं सुना मैंने। सही है, अच्छा लगा यार। मैं तो यहाँ पे ब्लॉग बनाते हुए आ रहा था, मैं सोच रहा था कि मीटअप रख दूँ, उसी के लिए रिकॉर्ड कर रहा था,
पर बच्चे ही नहीं आए अभी। अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत सारे बच्चे मिल रहे हैं और शक्ल देख के तो लग रहा है कि सब जानते होंगे। मैं जानती थी, मैंने पूछा कि इनको पूछो कि YouTube चैनल कौन सा, मैं नहीं जानती। कब देखा था तुमने, अभी रिसेंटली या बहुत पहले जब आ रही थी? हाँ, मैं जब आ रही थी तभी देखी थी, क्योंकि रिसेंटली आने के बाद तो फिर सबको ही नहीं देखा। सही है। और मैं तो सोचता हूँ कि जो लोग निकल जाते होंगे वो तो मुझे याद भी नहीं करते होंगे, जैसे जैसे किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो सोचते होंगे अब नहीं देखेंगे, इसी का शक्ल, इसी की शक्ल देखते थे फिर मार्क्स बेकार आए और अब बोल रहे हैं। तो अपना आपका मेहनत है, लेवर है, आप कितना। हाँ, वो मेरा काम था बताना, सजेस्ट करना। ऑब्वियसली सही है। ठीक है फिर, तुम्हें ना कर लो अपने काम। नाइस टू मीट यू, बाय। ओके, और तुम भी जानते हो? हाँ, मैं आपको जानता हूँ। okay. कोटा जानकारी। हाँ, ट्रेंडिंग न्यूज़ वायरल जा रहा है भाई। हाँ, बहुत अच्छा लगा यार तुम दोस्त मिलके। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना यार, है ना? जेन्युइनली मुझे मानना है तुम लोगों से, आगे भी बातें करूँ। ओके, सी यू, बाय। ओके, कभी सोचा था कि आपसे मिलूं। हाँ, कोटा आने के बाद आपसे मिल गया। अभी अच्छा लग रहा है ना? मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है, पता। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे इतने सारे बच्चे होंगे यहाँ पे, आपके व्यूअर्स। हाँ, व्यूअर्स। मैं सोच रहा था कि मीटअप के लिए कुछ प्लान करूँ। जनरली यूट्यूबर्स तुम देखते होगे ना, मीटअप के लिए प्लान करते हैं, तो मैंने तो कुछ नहीं सोचा था। मैं डायरेक्ट में यहाँ आ गया, एक एक करके लोग मिले और आई एम वेरी हैप्पी कि भाई इतने सारे लोग मिल गए मेरे को। अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा। और वीडियो डालते रहो हमारे। हाँ, तुम क्या नाम है तुम्हारा? उज्जवल कुमार जैन। उज्जवल, तुम्हारा? पीयूष कुमार जैन। पीयूष कुमार जैन। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा खोलूँ। उज्जवल, पीयूष, और तुम्हारा? तुम भी जानते हो? नहीं जानते? आज जानता हूं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, राजू भी नाम है। तो कहाँ से हो तुम लोग? बिहार। बिहार से? तुम? बिहार से। बिहार से, अच्छा। तो या कौन सी क्लास, 11, 12th? नहीं, इस बार 12th में जा रहा हूँ। 12th में जा रहा है, एलएन में हूँ, है ना? एलएन। कौन सी बिल्डिंग है? अच्छी क्लास तो चल रही है, मतलब कि सवल में। सवल रिविजन के लिए यहाँ आना। यहाँ आना तो भी। अच्छा, सही है, बढ़िया है सब, पढ़ाई वगैरह सब अच्छी थी। सही है। और कोई दिक्कत तो नहीं है खाने वगैरह में, रहने में? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है। सही है। क्या एम वगैरह, क्या आईटी के हो ना? हाँ, एम वगैरह क्या है? कौन सा आईटी अच्छा लगता है? आईआईटी रुड़की। रुड़की? तुम्हें? मुंबई, आईआईटी मुंबई। मुंबई, अच्छा। मुंबई का तो वो पता है, टॉप 60 में आओ तब सीएस मिलेगी, टॉप 70, 100। और रुड़की का क्या है? रुड़की में भैया वो जो एंशंट आईआईटी है ना, हाँ हाँ, इसी को देखने का मन। एन, वो उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत बढ़िया है, ब्रिटिश वाला। हाँ, ब्रिटिश। घूमने की बहुत अच्छी जगह है। हाँ, मतलब तुम इनडायरेक्टली बोल रहे हो आईआईटी मुंबई यानी 100 रैंक आनी चाहिए, राइट? सही है, और सही है, मिल जाएगी आई एम श्योर। और मैं आई होप कि तुम्हें मिले भी, है ना? सही है। और यहाँ पे बुरा तो नहीं लगता तुम लोगों को फिर? नहीं, घर वालों की याद नहीं आती? कभी कभी, कभी कभी तो आ ही जाती है। ओके, कौन सी वीडियो देखी तुमने मेरी सबसे फर्स्ट, पहली बार? वो आप किसी को बैठा करके बोल रहे थे ना, कोटा के क्या फायदे हैं, प्रोज एंड कॉन्स। हाँ हाँ, इंटरव्यू लिया था मैंने ना। ओके, और उसके बाद आपका एक वीडियो और चैनल है, अगली ब्लॉग में हो सकता है मेरे मेन चैनल पे, तो ये इनमें से वही एक अच्छी हो गई वीडियो तो डाल दूंगा। अदरवाइज एक लर्निंग एंड स्टडी नाम से चैनल है, लर्निंग एंड स्टडी कोटा, तो उस पर तुम्हें वीडियोस ये सारी मिल जाएंगी ऑलमोस्ट। और नेक्स्ट ब्लॉग में तुम भी मिलोगे। हाँ, यही वाला नेक्स्ट ब्लॉग में तुम भी मिल जाओगी तुम। तो चैनल का बता दो, इस पे डालोगे? इसी पे डालोगे? हाँ हाँ, इसी पे डालूंगा, एक ये और एक वो ट्रेंडी न्यूज़ वगैरह। हाँ, ट्रेंडी तो वो तो हो गए ना। हाँ, सही, ठीक है, सी यू, बाय। वो भैया अनन्या पांडे वाला रिएक्शन था ना ट्रेंडिंग? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जबरदस्त था। अच्छा, कैसा लगा जब मैंने अपना चैनल नाम चेंज करा चैनल का, तब कैसा लगा? एकदम सा कंटेंट जो रहा था चैनल का वो चेंज हो गया, लोगों को बड़ा गुस्सा आया होगा यार, है ना? उतना नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बोर हो गया था, मेरे पास कंटेंट भी नया नहीं था, मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता चुका था। अभी जैसे यहाँ पे आया हूँ तो आई हैव गॉट अनदर चांस कि यार और सब भी बता सकूँ, बट उस टाइम यार गर्मियों में मैं तुम देख रहे थे कुछ नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा कि चेंज करता हूँ, कुछ नई चीज़ें देखता हूँ तो वो बेटर होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं कर देखता हूँ यही ठीक है, मेरा इंटरेस्ट भी आ जाएगा, और हमेशा तो नहीं बता सकते ना कोटा के बारे में। सही बात। अनन्या पांडे वाला रिएक्शन देखा था वीडियो, कैसा लगा था? बहुत जबरदस्त था। हाँ, रौनित आशा नाम है उस लड़के का। उसकी वीडियोस तो बहुत चली यार, वो मतलब काफ़ी अच्छा, उसके बाद चैनल की ग्रोथ देख ही रहे हो तुम कितना हो गया था। अच्छा, कब सब्सक्राइब किया था, कब जानने लगे थे चैनल को मेरे? लॉकडाउन जब लगा था। अच्छा अच्छा, लॉकडाउन के टाइम। अच्छा, एक साल हो गया ऑलमोस्ट चैनल। अच्छा, अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब लोग वहाँ पे पॉपुलर है, देखते रहते हैं लोग। अच्छा, कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी मेरी? वही आपने जो, आप शायद रेजोनेंस से थे यहाँ पे? रेजोनेंस से था। तो रेजोनेंस के बारे में, एलन बेहतर है या रेजोनेंस? हाँ, कोटा में ये गलतियाँ भूल कर भी ना करें। कैसी लगी वीडियो?
सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड वीडियो है मेरी ऐसे देखी होगी ना वो वाली अच्छी बहुत अच्छी है वो अलग था वो मतलब एक वीडियो थी ना जिसमें बताया था 10 चीजें ना करें वो वाली देखी होगी तुमने कोई ना ठीक है फिर है ना निकल जाओ तुम लोग भूख भूख लगी बाय सी यू इंस्टाग्राम पे मिलना सेल्फी ले सकते हैं आपसे ऑफ कोर्स यार ऑफ कोर्स यार मोबाइल निकालो भैया से सेल्फी लेना इधर आ जाओ क्या नाम है तुम्हारा हिमांशु नाइस मीट यू हिमांशु बहुत अच्छा लगा तुम्हें उससे मिलके भैया जी को लो अच्छा लगा है ना ठीक है भाई थैंक यू सो मच भैया मैं मन तो नहीं कर रहा जाने का लेकिन यार जाना ही पड़ेगा है ना मेरी भी ट्रेन है आज ही सी यू फिर है ना मिलते हैं बाय हिमांशु ओके सो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को अभी यहाँ से जाने के बाद आई दिस कुड बी द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर टेकन जो कि यहाँ आने के बाद यू नो यहाँ आने का डिसीजन है मेरा तो साफल बिल्डिंग के सामने आया मैं एलन की बहुत सारे बच्चे मुझे यहीं से मिल रहे हैं ऑब्वियसली यूपी और बिहार से बहुत सारे बच्चे थे उसके अलावा वैसे मैं नाम भूल जाता हूँ बहुत जल्दी बच्चों के सारे के भूल चुका हूँ मैं तो काफ़ी सारे बच्चे मिले मुझे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा आप देख लो ये एरिया कैसा है ये ऐसा एरिया है इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव पीपल ऑलरेडी नो यू व्हेन यू आर देयर इन योर देयर सिटी अब मेरे को ऐसा जेन्युइनली ऐसी फील आ रही है कि शायद सब मेरे को जानते हैं बट ऐसा हो सकता है कि ऐसा हेलो ना हो लेट्स सी बहुत ही अच्छे बच्चे थे सारे ओके तो देखते हैं अभी कहाँ जा रहा हूँ आई एम इन दिस डिफरेंट सिटी इट्स नॉट दैट डिफरेंट एक्चुअली बस जाना है आज रात की ट्रेन है लेट्स सी क्या होता है ये देख लो कितना कूल एरिया है यार मतलब इससे बेहतर एरिया नहीं होगा कोई सारे टीचर्स और सारी दुकानें भी यहीं पे हैं ये देखो ऐसा और ये शॉप्स भी यहीं हैं ओके ये भी हाँ ऑफ कोर्स से हाय टू माय कैमरा ओके तो आप देख सकते हो काफ़ी हैपनिंग प्लेस है बच्चे सारे यहीं रहते हैं ये सारे हॉस्टल्स ही हैं ऑलमोस्ट तो जो बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि हॉस्टल्स वगैरह कैसे मिलेंगे कोटा में इस प्राइस रेंज में ये हॉस्टल बता दीजिए उस प्राइस रेंज में वो हॉस्टल बता दीजिए तो हॉस्टल्स की कोई कमी नहीं है और आप जिस चाहे देखिए ना बॉयज़ हॉस्टल है फिर उसके बगल गर्ल्स हॉस्टल है ऐसे रैंडमली आपको काफ़ी सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप देख सकते हैं 5,000, 4,000, 6,000 हर प्राइस रेंज में आपको हॉस्टल्स दिख रहे होंगे सॉरी मिल जाएंगे यहाँ पर ये सारे जो हॉस्टल दिख रहे हैं इन्हीं में से और ये सबल बिल्डिंग है यहाँ से आप देखेंगे तो साफल्य से सबल काफ़ी पास है ये देखिए सबल और ये मैं हूँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा कोटा में अभी तक मैं आया हूँ वैसे मैं शायद नहीं आ पाता बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैनल और कंटेंट और जो भी काम मेरे लिए ज़रूरत पड़े और जिन्होंने भी मुझे यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित किया